गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास। बेटा आपका चैप्टर 2 चल रहा है बीएसटी के अंदर। तो हम एक पार्ट कर चुके थे, आज हमने पार्टनरशिप हमने जो शुरू की हुई थी उससे आगे हम देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ये सब पढ़ते हैं हम। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप ये भी पढ़ चुके हैं, कंक्लूजन भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। फुल फ्लैश पार्टनर ये सब पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर हैं। हम जो कर रहे थे वो देख रहे थे कि जो माइनर है क्या हम उसको पार्टनर बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है कैसे रहेगा। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेंडिंग मेच्योरिटी, जब तक वो वयस्क नहीं हो पाता, मेजर नहीं हो पाता, 18+ का नहीं हो पाता, तब तक उसके पास कैसी पोजीशन रहेगी साझेदार के रूप में। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं राइट्स ऑफ ए माइनर पार्टनर कि उसके राइट्स क्या रहेंगे, उसके अधिकार क्या रहेंगे। राइट्स टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, सबसे पहला जो उसको अधिकार मिलेगा वो जो भी हमारी फर्म है उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं या जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें उसका हिस्सा पाने का अधिकार रहेगा। राइट रहेगा कि वो प्रॉफिट में भी शेयर ले और एसेट्स में भी शेयर ले, क्लियर ठीक है। विच वाज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज पार्टनर हर एंट्री एज ए पार्टनर, इफ इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ए माइनर पार्टनर हैज नो रिलेशन विद लॉस ऑफ द फर्म। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि उसका फर्म के लॉसेज में कोई हिस्सा नहीं होगा, केवल प्रॉफिट और एसेट्स में उसको हिस्सा लेने का अधिकार है, लॉसेस में कोई उसको हिस्सा नहीं। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, उसको अधिकार है कि वो जो भी फर्म की बुक है उनका निरीक्षण करे, इंस्पेक्ट करे उसको। उसको ये भी अधिकार मिलेगा कि जो भी फर्म की बुक है उसकी वो कॉपी प्राप्त कर सकता है, यदि वो चाहे तो वो उनकी कॉपी करवा सकता है, ठीक है। हाँ, जो सीक्रेट्स फॉर्म्स की होती है, ऐसी कुछ बुक्स होती है जिनको हमें सीक्रेट तौर पर रखना होता है एज ए माइनर, वो उन बुक को नहीं ले सकता है, ठीक है। नॉर्मल बुक्स जो है वो सारी वो बुक्स ले सकता है, उसकी जो भी कॉपीज कराना चाहे वो करा सकता है, बट जो सीक्रेट्स होते हैं फर्म के बिल्कुल ही जिनको हर एक को दिखाना नहीं होता, उन सीक्रेट्स को उनको पाने का अधिकार नहीं होता अभी क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। राइट्स टू फाइल सूट, मुकदमा दायर करने का अधिकार। एक माइनर पार्टनर को यदि कोई प्रॉब्लम होती है पेमेंट ऑफ शेयर लेने में या उसको एसेट्स में अधिकार नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे, तो इसके बिहाफ इसके ऊपर या कोई और उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने शेयर्स के अगेंस्ट केस दर्ज कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है केस अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर के तौर पर उसके क्या दायित्व रहेंगे, किस तरीके से उसे अपना दायित्व का निर्वाह करना होगा ये देख लेते हैं। A minor partner responsible is limited only to the extent his invested capital in the firm. यदि firm में losses हो जाते हैं तो उसकी responsibility ये होती है कि जितनी capital उसने firm में invest की है केवल उतनी capital तक उसको वो loss bear करना पड़ सकता है, ठीक है। जितनी capital उसने invest की है केवल उतना ही वो loss bear करेगा। While other partner of the firm have unlimited liability, other partners की liabilities क्या होती है, unlimited, उसकी liability कैसी होगी, limited। अब आपके माइनर पार्टनर मेजर हो गया है, 18+ का हो गया है, तब उसके जो अधिकार होंगे दायित्व होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ए पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द माइनर विलिंगनेस टू रिमेन ए पार्टनर और नॉट इज टू सर्व बाय हिम, छह महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिकली एक नोटिस देना पड़ेगा कि अब वो मेजर हो गया है और उसे फॉर्म में रहना है एज ए पार्टनर या नहीं रहना, उसे ये बताना होगा कि जब तक वो माइनर था तो ठीक है वो साझेदार था पार्टनर था, बट जब वो मेजर हो गया है उसकी सोचने समझने की शक्ति नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो गई है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर मैच्योरिटी के 6 महीने के अंदर अंदर उसे कोर्ट में सॉरी पब्लिकली नोटिस देना होगा कि वो अब पार्टनर के तौर पर रहेगा या नहीं। ही विल बी कंसिडर एज ए फुल फ्लैश पार्टनर, क्योंकि अब वो फुल फ्लैश पार्टनर हो जाएगा, अब वो पार्शियल पार्टनर नहीं रहेगा, फुल फ्लैश पार्टनर हो जाएगा। His position in the firm is determined vary of this notice.
अब उसका दायित्व केवल पूंजीगत जो उसकी पूंजी है वहीं तक नहीं रहेगा, अब वो उसकी जो दायित्व हो जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। द पोजिशन ऑफ ए माइनर आफ्टर टर्निंग मेजोरिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बांटा गया है कि जब वो माइनर से मेजर हो जाता है दो कैटेगरीज में बांटा गया है कि उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज आएंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, यदि वो पार्टनर रहता है तो, व्हेन ही इलेक्ट नॉट ए रिमेन ए पार्टनर, और वो पार्टनर नहीं रहता है तो, यदि वो पार्टनर रहता है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसका जो शेयर में हिस्सा है वो लॉसेज में भी हो जाएगा, पहले उसका लॉसेज में हिस्सा नहीं था बट अब उसका प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेज में भी हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब एज ए माइनॉरिटी जितने भी उसने काम किए होंगे उन सब के लिए, एज ए माइनर होने के टाइम पे उसने जितने भी काम किए होंगे उसके लिए अब वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ठीक है ना, बट अब यदि एज ए माइनर वो मेजर हो गया, माइनर के बाद वो मेजर हो गया, तो माइनॉरिटी के टाइम पे जितने भी उसने काम किए थे उन सब के लिए उसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। व्हेन ही इलेक्ट नॉट रिमेन ए पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं रहना चाहता तो उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी माइनर विल बी डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, जब तक उसने पब्लिक नोटिस दिया है तभी तक उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी राइट्स थे तब तक रहेंगी, उसके बाद उसके कोई भी फॉर्म के ऊपर ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी ना कोई राइट्स रहेंगी। He will not responsible of any act of firm after given public notice. Public notice देने के बाद अवयस्क के जो भी उसके कोई भी उसकी firm के ऊपर कोई भी मतलब जो भी कोई responsibilities रह गई थी तो वो नहीं होगी after notice. Notice के बाद की कोई भी responsibility नहीं होगी। He has a right to file a suit against the other partner demanding share in the assets. हाँ, but उसके पास ये right है कि जो भी उसका share of profit रह गया था ये assets को मिलनी थी वो नहीं मिली है तो उसके लिए वो अगेंस्ट पार्टनर्स जो भी अदर पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट वो केस कर सकता है। ठीक है, अब आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अंदर पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर पार्टनर ने सारी डिटेल लिखी, उनका नाम, उनका पता, उन्होंने किस टाइप का बिजनेस करना है, उनकी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, कितने टाइम के लिए करना है, मतलब जो भी सारी बातें उन्होंने एग्री की हैं वो सारी बातें इसके अंदर रहती है। ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, ये आपका ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, ये ओरली भी बना सकते हैं और रिटर्न भी। बट ओरल जो एग्रीमेंट होता है उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि आफ्टर डिस्प्यूट कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना, और जो ये क्या नाम ओरल एग्रीमेंट होता है इसमें मतभेद की संभावना ज्यादा रहती है, मिस इंटरप्रेशन ज्यादा रहती है क्योंकि पहले कुछ वो कहते हैं कि आपने ऐसे नहीं कहा था ऐसे कहा था, तो ये बातें ज्यादा रहती है। यदि लिखित में होती हैं तो हम अपनी बात को मना नहीं कर सकते कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है ना, और डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं लिखित में। द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जो आपका रिटन यदि हम लिख लेते हैं एग्रीमेंट उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना, लिखित एग्रीमेंट जो भी होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ऑल द रिलेवेंट कंडीशन और स्टिपुलेशंस कैन बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड बट द फॉलोइंग कंटेंट मस्ट बी नेसेसरी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप सभी मतलब जो भी आप चाहते हो वो अनुबंध में लिख सकते हो, अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हो, बट कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि जो आपको लिखना जरूरी होता है अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, जैसे फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, आपको जो फर्म का नाम रखना है वो सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए किसी और फर्म की तरीके से, कंफ्यूजिंग नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शुड नॉट बी सच इट इंप्लाइज द सेनेक्शंस एंड प्रिवेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जो राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने मना कर रखे कि आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लेना है, किंग क्वीन रॉयल एम्परर एम्प्रेस पार्लियामेंट, इस तरीके के वर्ड्स को आपने फर्म के नाम में नहीं लगाना है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, आपने फर्म का नाम लिख लिया, आपने फर्म का एड्रेस भी लिख लिया, इसी तरीके से जो भी पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम और एड्रेस फुल। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप तभी खत्म हो जाते हैं जब आपको जिस उद्देश्य के लिए आपने पार्टनरशिप शुरू की है तब तक ही आपकी पार्टनरशिप रहती है, जैसे आपका उद्देश्य पूरा होता है आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन बताना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पार्टनरशिप शुरू की है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, आपके फर्म का नेचर कैसा है, उसका स्कोप कैसा है। ठीक है, इसमें आपको इसके बारे में बताना है कि आपने
नेशनली करना है, लोकल करना है, ट्रेड कैसे किस तरीके से करना है, ये सारा आपने इसके अंदर बताना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कैपिटल बाय पार्टनर की एक पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा आपको इसमें क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, यदि आप उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे आउट करना चाहते हो या कोई इसका रेट डिसाइड करना चाहते हो तो वो सब भी आपको बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कि किस रेशियो के अंदर पार्टनर्स क्लियरली अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर बताएंगे कि क्लियरली कितना प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, कितना कितना उनके हिस्से में आने वाला है। ठीक है, क्या वो कैपिटल के प्रपोर्शन में होगा, क्या उन्होंने अलग से कुछ डिसाइड किया है, या उनको स्किल और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करता है, इस सारी चीज में क्लियरली आप मेंशन करोगे। यदि पार्टनर अलग से एक्स्ट्रा काम करते हैं तो क्या उनको कमीशन और सैलरीज मिलेंगी। ठीक है, ये सब भी आपने पार्टनरशिप डीड के टाइम पे डिसाइड करना। लोन टू एंड बाय द पार्टनर, क्या पार्टनर लोन ले सकते हैं या दे सकते हैं, वो फंड को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इस तरीके की कोई भी कंडीशंस है तो आपने वो भी आपने बताना है। और यदि पार्टनर लोन फर्म से लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट देंगे, या फर्म पार्टनर से लेती है तो कितना इंटरेस्ट पे आउट करेगी। ठीक है, इसी तरीके से ड्रॉइंग पर्सनल अपना वो पैसा निकाल रहे हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रहेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। ऑडिटेड ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप को ऑडिटिंग किस तरीके से कराई जाएगी, पार्टनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, किस समय के अंदर उनको हम ऑडिटिंग कराएंगे, ये सब बातें भी, क्या ऑडिटिंग कराने के लिए हम अलग से ऑडिटर रखेंगे या हम खुद ही सेल्फ करवाएंगे, ये सब बातें भी आपने पार्टनरशिप ड्यूटी के अंदर लिखनी है। राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनर के राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी और उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटीज है। ठीक है ना, ये सारी बातें भी हम एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली बताएंगे। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि फर्म में कोई भी पार्टनर हम नया लेके आते हैं या फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस कंडीशन में भी हम पहले से ही बताएंगे कि किस कंडीशन में, उस कंडीशन में भी हम क्या करना है, ये हम पहले से ही प्रोविजन बता के रखेंगे ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यदि कोई पार्टनर आता है और पार्टनर जाता है तो उस टाइम पे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो गुडविल की वैल्यूएशन हम किस टाइप से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ट्वेल्थ में पूरा एक यूनिट है इसका, ठीक है ना, इसको समझने के लिए। ठीक है ना, तो वो वैल्यूएशन हम किस तरीके से करेंगे ये भी हम क्लियरली हम पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही मेंशन करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो हमारी है वो किन सर्कमस्टांसिस में खत्म हो सकती है। ठीक है, रिजोल्व हम अपने फर्म को कैसे कर सकते हैं, हमारी फर्म किन कारणों से डिस्प्यूट हो सकती है या फर्म खत्म हो सकती है, वो भी हम पहले से ही करेंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशंस, पार्टनर की किसी की डेथ हो जाती है तो क्या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार होगा, उसकी मतलब उसके उत्तराधिकारी कौन होगा और उसकी कैपिटल कौन लेगा, या उसके फाइनल अकाउंट का जो भी भुगतान होगा, गुडविल मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी कमीशन जो भी मिलना है वो किसको मिलेगा, ये सब पहले से ही हम बता के रखते हैं। क्या हम उस राशि को जो हमने उसको पे आउट करनी है हम उसको फर्म में ही रखेंगे या उसके सक्सेसर जो भी उत्तराधिकारी है उसको देंगे। ठीक है, कि ये भी कंडीशन हो सकती है कि हम उसकी जो कैपिटल है हम उसको पार्टनर्स को इंस्टॉल, मतलब जो भी इसके सक्सेसर हैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे आउट करें, तो ये भी हम कैपिटल इकट्ठी देंगे फर्म में रखेंगे या हम उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस तरीके से देंगे, ये सारी बातें हम पहले से ही अपने पार्टनरशिप डील में मेंशन करेंगे। वायलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप रूल्स, यदि कोई पार्टनरशिप रूल्स का फॉलो नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट उसके क्या कार्रवाई करेंगे ये भी हम पहले से ही डिसाइड करेंगे। एब्रीविएशंस क्लोजेस, एब्रीविएशंस क्लोजेस का मतलब है मध्यस्थ वाक्य, यदि भविष्य में कोई आपसी मतभेद हो जाए तो हम किसको बीच में लेकर आएंगे, हमारे जो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो गई उसको कौन दूर करेगा, उसके हमारे जो मीडिएटर्स होगा उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम पहले से ही सारी चीजों का मेंशन करेंगे। तो ये तो जो 17 क्लोजेस थे ये तो थे मैंडेटरी क्लोजेस, जो होने चाहिए, फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, उनके बीच में एग्रीमेंट क्या बना है, किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस कहाँ करने वाले हैं, गुडविल का मेंशन कैसे करें, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, नया पार्टनर आएगा तो कैसे लेके आएंगे, किन कंडीशंस में लेके आएंगे, रिटायर हो गया तो क्या किन कंडीशन पे रिटायर करेंगे। ठीक है ना, यदि बीच में डिस्प्यूट हो गया
तो कैसे उसको खत्म करेंगे, फर्म कैसे डिसोल्यूट हो जाएगी, सारी बातें हम पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करेंगे। अब अगला आता है कि फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो हमारी पार्टनरशिप है, यदि हम उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या हम उसको स्थापना करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड फॉर हिज फॉर्मेशन। हमारे को कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको रजिस्टर कराएं, हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपने फॉर्म खोल सकते हैं, बट यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ब्रिंग द फैसिलिटीज, और रजिस्ट्रेशन कराने से हमारे को कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू गेट फॉर्म रजिस्टर्ड। यदि हम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, For the purpose of the getting the form, register all the states government appointed by the register of the firm. जो फॉर्म होती है उसको रजिस्टर हम कहाँ से करा सकते हैं? गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म की नियुक्ति की हुई है, ठीक है। उस वहां पर जाकर हम अपना, सबसे पहले वहां पर हमें एक फॉर्म भरना होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। देन दिस फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस, और उसके साथ जो भी फीस है वो लगानी होगी, ठीक है। और उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि फॉर्म का नाम क्या रहेगा, आपका हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, आपके अदर प्लेसेस फॉर्म के कहाँ रहेंगे, आपके पार्टनर्स की फुल एड्रेस, उनकी एंट्री डेट क्या रहेगी, कितने टाइम के लिए, जो ही हमने पार्टनरशिप पर बातें लिखी हैं वो नेसेसरी बातें यहाँ पर इनको हमको बताएंगे, उस फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। जब रजिस्ट्रार जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, कि फॉर्म मतलब जो भी आपने फॉर्म में नेसेसरी इंफॉर्मेशन भरी है वो सारे की सारे ठीक भरी है, देन वो अपने जो फॉर्म का रजिस्टर होगा, रजिस्टर फॉर्म का होगा, उसमें वो सारी एंट्रीज कर देगा और आपको एक प्रमाण पत्र दे देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप ये जो कंपनीज है स्टार्ट कर सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्टर फॉर्म से मिलेगा, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है, कि ये फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। ये तभी होगा जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा कि आपने जो भी डीड बनाई है वो सारी डीड में जितनी बातें लिखी हैं वो सारी बातें ठीक लिखी हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कराना पड़ता है। कई बार हमें नाम, हम स्टार्ट में कुछ और रख लेते हैं, बाद में हमें वो नाम पसंद नहीं आता, हम नाम फॉर्म का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 14 डेज के अंदर यदि आपको वो नाम पसंद नहीं आता तो जब भी आपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर कराया उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपने फॉर्म में यदि कोई नाम में परिवर्तन करना है या बिजनेस में कोई परिवर्तन करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पार्टनर के यदि परमानेंट एड्रेस में कोई चेंजेस आए हैं तो वो भी चेंजेस करा सकते हैं। यदि आपने बिजनेस को एक जगह पे बंद करके दूसरी जगह पर खोलने का हमने डिसीजन लिया है तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें चेंजेस। आपने इसी टाइम 14 दिन के अंदर किसी एक नए पार्टनर को ले आए हो तो उसके बारे में भी आप उसको ऐड करा सकते हो, या किसी की डेथ हो गई है उसको हटा सकते हो, ठीक है। और 14 दिन के अंदर आपको कोई माइनर पार्टनर था वो मेजर हो जाता है तो आप वो पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में भी आपको सूचना दे सकते हो। तो 14 दिन के अंदर अंदर तक यदि आपको कुछ चेंजेस इस तरीके के कराने तो वो करा सकते हो। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ना कराने से क्या होगा? नो पार्टनर कैन टेक लीगल एक्शन, कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता अदर पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में जाकर। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स, वो अपने राइट्स के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि फर्म और पार्टनर का रिलेशन अलग अलग होता है, तो फर्म भी किसी पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती है। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज वाइल द अदर पार्टी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म। ऐसे ही फॉर्म किसी अदर पार्टीज जिससे हमने लोन ले रखा है, दे रखा है या उधार ले रखा है, कुछ भी ऐसा है, उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती है। ऐसे ही अदर पार्टीज भी फॉर्म के खिलाफ नहीं जा सकती। बेनिफिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कराने से हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही मिल जाता है कि हम कोर्ट में एक्सटर्नल पार्टीज के खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर को बेनिफिट ये मिल जाता है यदि उनको किसी तरीके की कोई भी उनके राइट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस चीज के खिलाफ, कोई झगड़े के खिलाफ कोर्ट में जाकर अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यदि पार्टनर प्रवेश करता है तो उसको इजी हो जाता है अपने राइट्स के लिए लड़ना, ठीक है।
ताकि सभी पार्टनर्स अपनी ईमानदारी के हिसाब से, मतलब ईमानदारी के हिसाब से अन्य पार्टनरों के साथ मिलकर, मतलब कहने का मतलब है, रजिस्टर ना होने पर अन्य पार्टनर की ईमानदारी पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। जो अन्य पार्टनर कहेंगे वही उसको काम करना पड़ेगा। यदि रजिस्टर्ड फॉर्म है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर, यदि फॉर्म पार्टनर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फॉर्म, यदि फॉर्म से वो चला जाता है तो दो सिचुएशन हो जाती है। एक तो सिचुएशन होती है कि वो डेथ पे जा रहा है, एक होता है उसकी रिटायरमेंट आ गई है। यदि डेथ पे जा रहा है तो जो सक्सेसर है आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन द फॉर्म। जो सक्सेसर होंगे उनका कोई भी, जितने भी फॉर्म के लिए उन्होंने काम किए होंगे अन्य पार्टनर्स से, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। हैंस टू सेव देमसेल्फ, तो इसकी वजह से वो सेव हो जाता है। ठीक है, वो पब्लिक नोटिस देकर अपने आप को, बिना पब्लिक नोटिस दिए भी वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। ठीक है ना। दूसरा होता है यदि पार्टनर रिटायर हो जाए, पार्टनर रिटायर हो जाए तो फॉर द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्म सो लॉन्ग द पब्लिक नोटिस अबाउट हिज रिटायरमेंट इज नॉट इश्यूड, उस समय तक वो उत्तरदायी रहता है जब तक उसके अवकाश ग्रहण करने की सूचना पब्लिक में नहीं गई है कि मैं रिटायर हो गया। ये सूचना जब तक आपने नहीं दिया तभी तक वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और आफ्टर, यदि उसने सूचना दे दी तो उसके बाद उसकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। और यदि आपकी रजिस्टर्ड फॉर्म है तो केवल आपने रजिस्टर्ड को, यदि रजिस्टर्ड फॉर्म है, देखो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको पब्लिक में नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो केवल आप रजिस्ट्रार को सूचना दे दो कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो केवल उसको सूचना देने से ही आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनी लाइबिलिटीज के ऊपर वो खत्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इश्यू नहीं बनाना पड़ता कि भी पब्लिक में नोटिस दो, सबको बताओ करो। यहाँ पे केवल रजिस्ट्रार को बताया और आप अपनी जिम्मेवारियों से खत्म कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ तक अपना जो पार्टनरशिप का टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो हम उसमें कंसल्ट करेंगे। यहाँ तक आपको सभी को शॉर्ट नोट बनाने हैं पार्टनरशिप तक। ठीक है। कल हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो होने वाला है जॉइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक सभी नोट्स बनाकर मुझे सेंड करेंगे, ग्रुप में ही सेंड करनी है आपने। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।